हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने जो है कि एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि यह बताया था कि आप क्लास 10th और 12th के माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डीजी लॉकर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस पर बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट किया कि सर जो है कि हमारा बहुत पुराना जो है कि हमने 2012 में 2011 में 10th और 12th किया है, तो उसका जो है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, या जो है कि हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहा है तो हम जो है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी पर यह वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहा है, या जो है कि आपका 2007, 2006, 2010 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट को बनवाना है तो आप कैसे बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, या जब आप डाउनलोड करने जा रहे हैं तब जो है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहा है, या जो है कि आपको 2007, 2006, 2005 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट को बनवाना है तो आप कैसे बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपका डिजी लॉकर से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, वह है कि आपको कॉलेज जाना होगा और वहीं से जो है कि अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट को बनवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर डिजी लॉकर पर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहा है, या जो है कि दे रहा है कि मतलब डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, या एरर लिख दे रहा है, तो फ्रेंड्स आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है। आप जो है कि जिस भी कॉलेज से आपने जो है कि 10th 12th किया है, आप उस कॉलेज पे जाइए और वहां पर बताइए कि हमने जो है कि इस सन में जो है कि 10th और 12th किया है और हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो है कि अगर आपने 2007, 2006 या उससे भी पहले 2002, 2003 में 10th और 12th को किया है तब भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको जो है कि कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको वहीं से बनेगा, ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगा, आप डीजी लॉकर से उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप कॉलेज जाइए और वहां से जो है कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जो है कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।